हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाति डायरी। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आप सबकी विशेष की वजह से मैं भी बहुत अच्छी और हेल्दी हूँ। तो आज मॉर्निंग का भी टाइम है और मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत स्पेशल डिश शेयर करने वाली हूँ। स्पेशल नहीं है, वो हर घर में बनता है, बट मैं कैसे बनाती हूँ अपने स्टाइल में। तो चलिए फिर देखते हैं मैं क्या बनाने वाली हूँ आज आप लोग के साथ मिल के। ये देखिए मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। और अभी देखिए सुबह की धूप जो एकदम प्यारी सी हल्की हल्की सी धूप, ठंड काफ़ी है बट अभी सुबह की हल्की हल्की सी धूप आ रही है तो जो चेहरे पर पड़ रही है आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और देखिए कितनी जोर से हवा चल रही है ठंड में। अभी मेरी मम्मी पीछे झाग लगा रही है, कितनी ठंड में हवा चल रही है, तेज़ से पर्दे से घूम रहे हैं। किस चीज़ का साग है? कनक। ये देखिए मेरी मम्मी ने गमले में चने का साग उपजाया है और ये चने का साग मेरी मम्मी खाएंगी। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ये वो वाले चने हैं जो कि घुन चुके थे, तो उन्होंने फेंकने की बजाय मम्मी ने इसे गमले में डाल दिया और ये काफ़ी हरे भरे चने हो गए हैं। और इनका अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसको निकाला जाएगा और नमक और मिर्च के साथ ये खाएंगी। साग बनेगा, इतना सा साग में कितना साग बनेगा? नमक में डालकर वो कुछ नहीं होने वाला, वो ऐसे नमक मिर्ची के साथ खा जाए ना है। पालक में डाल के बनेगा, चिपकी हुई है। ऐसी मजाक कर रही थी मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, इतना थोड़ा सा तो जमा है। मेरी मम्मी का यही है, कुछ भी अगर बचता है वो वेस्ट नहीं करती, बोलते नहीं डाल देते हैं, पौधे हैं कुछ ना कुछ तो हरा भरा निकल ही जाएगा, तो इसलिए वो डाल देती हैं। और कुछ ना कुछ सही बात है, कुछ ना कुछ उससे निकल ही जाते हैं। तो फिर चलिए, हो मैं आ गई थी किचन में इसलिए मैं भूल ही गई, मैं आई थी आज आप लोग के साथ कुछ डिश शेयर करने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं और मैं क्या बनाने वाली हूँ मैं आप लोग को बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ आज छोले। ये रहे मेरे छोले, मैंने इसको रात में भिगो दिया था कि सुबह सबको थोड़ा लेट हो जाता था, फटाक फटाक से मैं बनाऊँगी जल्दी जल्दी। तो ये मैंने रात को इसके लिए भिगो दिया था कि ये अच्छे से पानी सोख ले। तो ये फूल चुके हैं, यहाँ मैंने प्याज ले लिया है। और मैं आज किस स्टाइल में आज बनाती हूँ मैं छोले, क्योंकि हर कोई तो ये बहुत नॉर्मल है, हर लोग बनाते हैं, बट मैं किस तरीके से किस स्टाइल में बनाती हूँ ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। और ये देखिए यहाँ मैंने चाय बनाने को रख दिया, सॉरी बनने को रख दिया है। मैंने अपना गर्म पानी, इन वजह से क्या आप जानते ही है, मैंने गर्म पानी पी लिया है, चाय भी अच्छे से उबल रही है। तो चलिए मैं तैयारी कर लेती हूँ, कंटिन्यू रही मेरे वीडियो में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये छोले बनाने के लिए मटर ले लिया है, यहाँ मैंने प्याज काट लिया है, टमाटर, ये मेरे मसाले और हल्दी नमक भी ले लिया है। और ये फ़ोरन देने के लिए मैंने ये फ़ोरन ले लिया है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, अंदाज़ा मैं बता देती हूँ, एक्चुअली वो बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जो मटर है वो करीब तकरीबन 250 ग्राम आधा केजी के आसपास है, मान के चलिए 250 ग्राम मटर है। उसमें मैंने 4 प्याज, 4 टमाटर लिया है, क्योंकि क्वांटिटी बनाना बहुत ज़रूरी है, तो ज़्यादा पड़ जाता है तो उसमें टेस्ट में इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये मटर तकरीबन आपको आधा केजी 250 ग्राम के आसपास है, 4 प्याज, 4 टमाटर को मैंने कट कर लिया है। मैंने टमाटर और प्याज को जब भी कट किया है उसको मैंने बहुत सा महीन नहीं किया, बस उसको एक प्याज में 4 टुकड़े, एक टमाटर में 4 टुकड़े, ये बड़े बड़े क्यूब रखे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले इस मटर में हम लोग सारे ये टमाटर प्याज सबको ऐड करेंगे। टमाटर ये हमने सब चीज़ सारे ये हमने इसमें सब चीज़ मिक्स कर दिया है, मसाले भी मैंने ऐड कर दिया है। और मसाला जो मैंने ऐड किया है वो मेरा होममेड मसाला है और घर का ही बना हुआ। तो अब मैं इसमें डालूँगी नमक स्वाद के अनुसार। मसालों में मैंने वही घर के जो मसाले नॉर्मल होते हैं उनको मैंने स्लॉट पे सील पे ही उसको पीस के डाला। नमक मैंने डाल दिया स्वाद के अनुसार। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करके ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
अच्छी तरीके से मिक्स करके हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, ताकि सारा नमक और मसाले को ही आप इसमें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, सारे फ्लेवर एक दूसरे में ऐड हो जाए। तो अब इसको हम लेंगे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर, मैं इसको प्रेशर कुकर में ही डायरेक्ट बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा लेट भी हो रहा है, सबको निकलना भी ऑफिस के लिए। तो ये मैंने कुकर को रख दिया था गर्म होने, उसमें गर्म हो चुका है। और ये मैं सरसों के तेल में बना रही, तो इसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है अंदाज से। इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा पड़ता है तो भी जो फ्लेवर और टेस्ट अच्छा आता है, तो मैंने ये तेल डाल दिया है। और जैसे ही मेरा तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ये मसाले डाल दूँगी जो फ़ौरन के। ये देखिए, और ये देखिए ये मेरा फ़ौरन जो है इसमें मैंने डाल दिया है, और ये अच्छे तरीके से चटक रहा है। जैसे चटकेगा इसमें हम ये अपने छोले जो है 15-20 मिनट से मैंने इसको ढक के रखा था, ये हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया है, और इसमें इसको अच्छे से पूरा कुकर भर गया। बट जैसे जैसे थोड़ा सा टमाटर प्याज सब गलेंगे ये नॉर्मल हो जाएगा, सारा इसमें डालें। और इसको यूँ ही 10-15 मिनट ढक ढक कर हम इसको पकाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये पक रहे हैं, तो यूं ही बीच बीच में चलाते रहना है, अच्छे से ये पकेंगे। और इधर देखिए मम्मी मेरी आटा लगा रही है, तो ये बन रहे हैं यहाँ छोले, और यहाँ मम्मी आटा लगा रही है, बनेंगे क्या पूड़ी, छोले पूड़ी। बाकी सब लोगों ने चाय पी लिया है, और मेरी चाय मैं यहाँ गर्म कर रही हूँ, तब तक तक ये छोले इधर पक रहे तब तक मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। ये देखिए हमारे छोले जो है भून भून के ये क्या कलर आया है ना, रेडिश कलर हो चुका है। और ये देखिए सही से अच्छे तेल भी छोड़ना इसने शुरू कर दिया, इसका मतलब है कभी हमारा मसाला भूनने लगा है। तेल छोड़ने का मतलब हमारा मसाला भूनने लगा है। जब तक थोड़ी सी एक सौंधी सौंधी स्मेल आती है तो हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग इसी तरीके से अंदाज़ा लगाते हैं, कलर देख के हमारी दादियाँ मम्मियाँ समझ जाती हैं कि हाँ ये पक चुका था। ये देखिए किस तरह से इसमें तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो मसाला पक गया है। अब इसमें थोड़ी देर बाद 5 मिनट और इसको इसी तरह ढक के पकाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें पानी डाल देंगे और 3 से 4 सीटी लगाएंगे, ताकि अच्छे से जो मटर है हमारे वो अच्छे से पक जाए। तो देखिए क्या टेक्सचर आया था, किस तरीके से हमने इसको छौंका था और ये क्या टेक्सचर आया है। तो मैं तो छोले इसी तरीके से बनाती हूँ, होप आप लोग को मेरा ये स्टाइल पसंद आया हो। और आप लोग भी बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो मेरा तो ये स्टाइल है, और इधर हमारी पूड़ियाँ भी तल चुकी है। तो चलिए फिर बने रहिए वीडियो के साथ। इसमें मैंने पानी डाल के इसको प्रेशर लगाने के रख दिया, ये सीटी दे रहा है, तो हम 3 से 4 सीटी लगाएंगे और ये हमारा हो जाएगा। इसमें प्रेशर अब लगने लगा है, और जैसे प्रेशर निकल जाता है तो हमारे छोले रेडी हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा हुआ है। तो ये देखिए हमारे छोले बन के रेडी हैं, और लुक्स यम्मी है तब। अरे ये देखिए, तो ये देखिए हमारे छोले बन के रेडी हैं, काफ़ी डिलीशियस दिख रहे हैं। मैं आप लोग को और दिखाती हूँ, ये देखिए गरम गरम अभी निकल रहा ही है और काफ़ी यम दिख रहा है, लुक एट दिस, बहुत यम है। पर ये खाने पे मेरे घर वालों को इतना पसंद है, वो लोग खाते हैं तो बोलते हैं ये नॉन वेज जैसा लगता था, मटन जैसा। उन्हें मेरे हाथ का छोले बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि आप लोग की फैमिली तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ये रही आज मैंने आप लोग साथ छोले की रेसिपी शेयर की। तो अगर आप लोग को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, नए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ हेल्प मी, सपोर्ट मी, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। फ्रेंड्स की वॉचिंग।